नमस्कार, मेरा नाम काविंद्र चौहान है और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बीते साल संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बता रहे थे कि परिवारवाद में आखिर अंतर क्या है। उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस का परिवारवाद है वो दरअसल लोकतंत्र के लिए खतरा है। कैसे खतरा है? उन्होंने बताया कि एक परिवार जो है वही पार्टी को चला रहा है, पूरी पार्टी उस परिवार के द्वारा चलाई जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर एक परिवार में एक से ज्यादा लोग राजनीति में हैं तो वो ठीक है। इसके पीछे तर्क ये था कि अगर उनके पास वो सक्षम है राजनीति करने के लिए तो एक से ज्यादा अगर लोग हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर एक परिवार ही पूरी पार्टी को चला रहा है तो ये लोकतंत्र व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में ये टिप्पणी की थी। इसके बाद परिवारवाद की बहस एक बार फिर नए स्तर से जन्म लेने लगी। लेकिन आज जब हम इस चर्चा को लेकर आए हैं, इस चर्चा को लाने का विषय मकसद बस एक ही है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हम एक चीज देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किसी बड़े नेता के चाचा, भतीजे, ताई, मौसी, साले, इन सबको टिकट मिल रहा है। किसी की मौसी को टिकट मिल रहा है, किसी की भतीजी को टिकट मिल रहा है, किसी के बेटे को टिकट मिल रहा है, किसी के साले को टिकट मिल रहा है, किसी की बिटिया रानी को टिकट मिल रहा है, किसी की बहुरानी को टिकट मिल रहा है। अगर ऐसा चलेगा लोकतंत्र में तो एक चीज लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी निर्धन घर का कोई व्यक्ति क्या अब मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या अब ये पॉसिबिलिटी है प्रैक्टिकल लेवल पर? क्या अब कोई मुलायम सिंह यादव बन सकता है? क्या अब कोई कल्याण सिंह बन सकता है? क्या अब कोई मायावती बन सकता है? ये सभी निर्धन परिवारों से थे, गरीब परिवारों से थे। इनके पिताजी ने इनको ना तो MLA बनाया, ना MP बनाया, ना तो इनके पिताजी ने इनको CM बनाया। मुलायम सिंह यादव जी के पिताजी का नाम जो था वो सुगर सिंह था, किसी को पता है? अब उत्तराखंड की बहस के बीच ये उत्तर प्रदेश इसलिए ले आया हूं क्योंकि 2000 से पहले की बातें बता रहा हूं, जब उत्तराखंड बना नहीं था, उससे पहले की। मुलायम सिंह यादव जी के जो पिताजी हैं उनका नाम सुगर सिंह है, किसी को नहीं पता होगा, किसी को। अखिलेश यादव जी के पिता कौन है ये सबको पता होगा, सबको पता होगा। ये सच्चाई है कि अखिलेश यादव जी के पिता कौन है सबको पता होगा। अब उत्तराखंड की बात कर लूं, ऋतु खंडूरी जी के पिता कौन है सबको पता होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी साहब जो हैं उनके पिता हैं। अब एक और चीज पूछ लूं कि अनुपमा रावत जी के पिता कौन है, सबको पता होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जो हैं वो इनके पिता हैं। तो अगर ये स्थिति है आज के दौर में कि किसी की बिटिया रानी को टिकट मिल रहा है, किसी की बहुरानी को टिकट मिल रहा है, किसी के बेटे को टिकट मिल रहा है, किसी की नाती को टिकट मिल रहा है, किसी की नातिन को टिकट मिल रहा है, तो फिर ये क्या व्यवस्था है? ये क्या व्यवस्था है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ऐसे तो फिर ये हो जाना चाहिए कि जैसे जब राजतंत्र था तब एक मुगल डायनेस्टी थी, एक चौहान डायनेस्टी थी, एक मौर्य डायनेस्टी थी, एक मराठा डायनेस्टी थी, तो डायनेस्टी के हिसाब से बांट लीजिए। उत्तराखंड के अगर 70 जिलों की मैं बात कर लूँ, 70 विधानसभाओं की, अगर 70 विधानसभाओं की मैं बात कर लूँ तो लगभग लगभग 15-20% जो विधानसभाएं पड़ रही हैं वहां पर रिश्तेदारों को टिकट दे दी गई है। हर पार्टी की बात कर रहा हूं कमोवेश, अभी आम आदमी पार्टी तो नहीं आई है तो इसको नहीं अभी लेंगे। तो 15-20% जो टिकट बट गए वो अपने ही परिवार के सदस्यों को बांटती है। मतलब ये कौन सी व्यवस्था है? कुछ कुछ विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहां अगर 5 बार भी विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें से 4 बार तो एक ही पिता पुत्र आज तक विधायक बने रह गए। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश की फरखाबाद जिले की एक विधानसभा है, अमृतपुर विधानसभा, आज तक 16 बार चुनाव हुए हैं, 16 बार में से 13 बार एक ही परिवार के पिता पुत्र और उसके बाबा, तीन ही लोग, एक ही पीढ़ी जो है आज तक विधायकी में रही है। ये कौन सी वो है? इससे बढ़िया तो ये रहता कि अमृतपुर विधानसभा का नाम अमृतपुर विधानसभा ना होकर उन्हीं के परिवार के किसी पुरुष के नाम पर रखकर और आगे डायनेस्टी लगा देते तो सबको पता लग जाता कि हाँ इनके बेटे, अब इनके बेटे, अब इनके बेटे। तो जब मैं ये बात करता हूं तो लोग तर्क देते हैं, लोग तर्क ये देते हैं कि ठीक है उनके बेटे में इतना संबल होगा, उनका बेटा इतना सक्षम होगा, उनकी बिटिया इतनी सक्षम होगी, उनकी बहुरानी इतनी सक्षम होगी, ये तो जनता चुनेगी। अब तो साहब ये जुमलेबाजी है, ये क्या है? ये ऊपरी ऊपरी बातें हैं। अब हरीश रावत की अगर बेटी जी मैदान में है, अगर खंडूरी साहब की बिटिया रानी अगर मैदान में है, तो फिर क्या किसी सुनील की बिटिया या किसी गोपी की बिटिया
अगर वो मैदान में है तो क्या टक्कर दे पाएगी इनको? संसाधनों की भी बात कर लूं, जानकारी की भी बात कर लूं, लोकप्रियता की भी बात कर लूं, जान पहचान की भी बात कर लूं, क्या टक्कर दे पाएगी? सक्षम वो ज्यादा है, अब बताइए बताइए। अगर इतिहास की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो पहली दफा प्रधानमंत्री बने तो क्या जनता ने चुना था उनको? पहले वो खुद ही एक पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी क्या खुद डायरेक्ट जनता द्वारा चुनी गई थी? अरे भाई, उनको पहले से पार्टी का एक टॉप मोस्ट लीडर बना दिया गया, तब तो उनकी इतनी ज्यादा पहचान हो गई। और यह बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं, यह बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि एक एक जिक्र बताता हूं आपको इतिहास का, इतिहास का ऑन एयर लीजिए, एक एक जिक्र बताता हूं इतिहास का। संजय गांधी साहब जो हैं, संजय गांधी साहब जो राजीव गांधी के भाई थे और इंदिरा गांधी जी के जो पुत्र थे, संजय गांधी साहब, हेलीकॉप्टर उड़ाने का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था हेलीकॉप्टर उड़ाने का। ऐसी में किताब में पढ़ रहा था इतिहास के बारे में, तो मैंने एक चीज देखी, बड़ा हैरत अंगेज चीज थी कि संजय गांधी साहब को हेलीकॉप्टर उड़ाना था। अब एप्लीकेशन लिख रखी थी लाइसेंस के लिए, हेलीकॉप्टर बनाना भी है उड़ाना भी है, लेकिन काम नहीं बन रहा था। ऐसे में माताजी से बोल दिया, माताजी ने रातों रात वित्त मंत्री चेंज कर दिया और बोला कि वित्त मंत्री ये जो भी ये कह रहा है हमारा बेटा, इसके एप्लीकेशन में मोहर लगाइए, सिग्नेचर करिए और घर पर देने जाइए। तो क्या ऐसे में कोई हिमांशु हो, कोई सुमित हो, कोई वसीम हो, कोई काशिफ हो, अगर वो लोग किसी भी चीज की एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, किसी भी चीज पर साइन करवाना चाहते हैं, किसी भी चीज का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी यही व्यवस्था रहेगी कि एक मंत्री खुद ही साइन करके उनके घर पर देकर जाए? और जरा सोचिए कि अगर वो वित्त मंत्री, वो उस वक्त जो मंत्री रहे होंगे, अगर मैं ठीक ठीक बता रहा हूं तो, अगर वो संजय गांधी साहब की एप्लीकेशन पर, उनके दिए गए प्रार्थना पत्र पर अगर साइन ना करते, अगर उनका लाइसेंस जारी ना करते, तो अगले रोज अगली सुबह ही उनको टाटा बाय बाय हो जाता, सदन के बाहर उनका रिक्शा खड़ा होता, रिक्शा उनको घर छोड़कर आता। यह सच्चाई है, इस पर बहस करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ संजीव वर्मा साहब जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ गुल मोहम्मद साहब भी जुड़ेंगे। सर जी वर्मा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कितना सर्द मौसम है उत्तराखंड में, इतनी शीतलहर बह रही है, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं, लेकिन आज आप तूफानों से टकराने के मूड में क्यों हैं? आप छत पे खड़े हैं क्या? छत पे है सर। ठीक है ठीक है, तो आप छत पे खड़े हुए हैं आज। सबसे पहले संजीव वर्मा साहब ये बताइए, परिवारवाद को लेकर हम बहस कर रहे हैं और बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, बड़ी अच्छी सी चर्चा करेंगे। ये बताइए संजीव वर्मा साहब कि मान लीजिए अगर मैं पत्रकारिता में ना होता और मैं बीजेपी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होता जो झंडा बैनर लगाता, जिंदाबाद जिंदाबाद करता, देहरादून में अगर पुष्कर सिंह धामी की रैली होती तो सबसे आगे मौजूद होता, प्रचार प्रसार करता पार्टी का, दिन रात प्रचार प्रसार करता पार्टी का, दिन रात रात दिन एक कर देता, तो क्या आप कोटद्वार से मुझे टिकट देते या फिर रितु खंडूरी जी को टिकट देते या सितारगंज से सौरभ बहुगुणा को टिकट देते या मुझे टिकट देते या फिर देहरादून कैंट से दिवंगत विधायक हरवंश कपूर जी की जो पत्नी है सविता कपूर को टिकट देते या फिर मुझे टिकट देते? खानपुर सीट से बीजेपी एमएलए है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी पत्नी कुंवरानी देवानी को टिकट देते या फिर मुझे टिकट देते? काशीपुर सीट से एमएलए है हरवंश सिंह चीमा, उनके बेटे हैं त्रिलोक सिंह, उनको टिकट देते या फिर मुझे टिकट देते? पिथौरागढ़ से पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं स्वर्गीय प्रकाश पंत, उनकी पत्नी है चंद्रा पंत, उनको टिकट देते या फिर मुझे टिकट देते? दिवंगत विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश जीना, को सल्ट से आपने मैदान में उतारा है, उनकी जगह मुझे टिकट देते या उन्हें टिकट देते? आप बस मुझको इतना बता दीजिए आज। कविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो परिवारवाद को जन्म दी ठीक है, आवाज कट रही है, ठीक है, दोबारा से तो जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना आपने बोला उसी पर काउंटर दे देता हूं। संजीव जी ने कहा कि जो परिवारवाद को जन्म देती है, कांग्रेस की बात कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने जन्म दिया, लालन पालन आप काय कर रहे हैं? आप लालन पालन क्यों कर रहे हैं?
उन्होंने परिवारवाद को जन्म दिया, लालन पालन क्यों पालन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो जो मैंने लिस्ट बताई है, मैं कह रहा हूं कि एक परिवार में दो से ज्यादा नेता हो सकते हैं, तीन परिवार में हो सकते हैं, चार परिवार में हो सकते हैं, संजीव वर्मा जी, लेकिन लेकिन अमूमन हर बड़े नेता के परिवार में एक नेता है। सर देखिए कविंद्र जी, मेरे को बोलने देंगे प्लीज। मैं आपको पूरा बोलने दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात मान लीजिएगा, ईपी हटा दीजिएगा, ईयरफोन, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ईयरफोन हटाइए, आवाज को आपने पूरा गुंजायमान कर दिया, हमारे स्टूडियो से लेकर पूरे उत्तराखंड में आवाज गूंज रही है। ठीक है, तो अभी हम आएंगे वापस, एक बार फिर से जोड़ेंगे, और कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या रहती है, जब भी हम उत्तराखंड की बात करता हूं, जब भी मैं उत्तराखंड की बहस पर आता हूं, तो कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या रहती है। तो आज ये जो मुद्दा लेकर आया हूं, इस पर कहीं से भी इसको ऊपरी ऊपरी मत समझिए, आप टीवी पर रोजाना हर अगले सोमवार मंगलवार को ये डिबेट देखते होंगे कि परिवारवाद को लेकर डिबेट होती है और कांग्रेस को घेर कर लपेट देती हैं सारी पार्टियां और धुलाई कर देती हैं अच्छे से। अगर उत्तर प्रदेश की डिबेट हो जाए तो इधर अखिलेश यादव के पूरे खानदान को घेर कर लपेट कर सब लोग बरस पड़ते हैं। लेकिन आज जो मेरी परिवारवाद की जो बहस है, इसका मुद्दा सिर्फ इतना है, कोई मतलब नहीं कांग्रेस है कि बीजेपी है, मुद्दा और मकसद सिर्फ इतना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात, ऑन एयर कर दीजिए मुझे, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कोई और मायावती अब हम देख पाएंगे आने वाले समय में? क्या कोई और मुलायम सिंह यादव जो साइकिल से चलते थे, जो शिवपाल सिंह यादव उनकी साइकिल चलाते थे और पीछे वो बैठते थे और दिल्ली तक जाते थे साइकिल से, आधे रास्ते मुलायम सिंह यादव साइकिल चला रहे हैं, आधे रास्ते शिवपाल सिंह यादव साइकिल चला रहे हैं, क्या ऐसा कोई और मुख्यमंत्री हम देख पाएंगे? कल्याण सिंह जैसा कोई मुख्यमंत्री देख पाएंगे? जेपी साहब जैसा कोई बड़ा नेता देख पाएंगे जो दिल्ली की नहीं खटारा सड़कों की बात कर रहा हूं, खटारा बसों में लटक कर सफर करते थे, क्या ऐसे नेता हम देख पाएंगे? बड़ा वाजिब सवाल है, क्या वो दौर, क्या वो मिनिस्ट्री, क्या वो कैबिनेट अब हम देख पाएंगे जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह साहब, मुलायम सिंह शायद सहकारिता मंत्री थे अगर मैं ठीक ठीक हूं तो ऐसा ऐसी कभी कैबिनेट देखेंगे, ऐसी कभी विधानसभा देखेंगे, कभी ऐसा सदन देख पाएंगे जहां एक गरीब निर्धन परिवार से निकला एक व्यक्ति जो कि सक्षम था, सच में सक्षम था, लालू प्रसाद यादव स्टूडेंट प्रोटेस्ट को पूरा लीड किया, लीड करते 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 इतने बड़े नेता बने बिहार के, क्या अगला लालू प्रसाद यादव पैदा हो सकता है? उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्या मुलायम सिंह यादव जैसा नेता पैदा हो सकता है? हो सकते हैं ऐसे नेता? आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, अगर समाजवादी पार्टी का कार्यालय ले लूं या फिर बीजेपी की पार्टी का कार्यालय ले लूं, हेडक्वार्टर ले लूं, आप देहरादून भी रख लीजिए इसमें, लखनऊ भी रख लीजिए, और हो सके तो दिल्ली भी रख लीजिए, अगर चार फॉर्च्यूनर लेकर मेरा पड़ोसी राधे श्याम पहुंचता है पार्टी कार्यालय में, तो बकायदा दरवाजा भी खुलेगा और आजकल तो वो सैनिटाइजर भी छिड़का जाएगा, अंदर स्वागत भी होगा, सत्कार भी होगा, लड्डू पेड़ा भी आएगा और एक ग्लास में बढ़िया पानी भी आएगा और नेताजी भी स्वयं मिलने आएंगे। अब थोड़ा सा और सोचिए कि एक और मेरे पड़ोस का एक और व्यक्ति है जिसका नाम सुनील है, अगर वही सुनील 800 अल्टो 800 लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे, चाहे देहरादून पहुंचे, चाहे लखनऊ पहुंचे, चाहे दिल्ली पहुंचे, उसके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा एक अल्टो 800 पर एक व्यक्ति अगर पहुंच जाए उसके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, पानी, सैनिटाइजर, स्वागत सत्कार, लड्डू पेड़ा, मिठाई, जलेबी, दही, ये तो बहुत दूर की बात है। तो जिनके लिए पार्टी कार्यालयों के दरवाजे तक आज ना खुलते हों, अगर वो व्यक्ति उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो धनराशि दे सके या चुनाव में उड़ा सके, मेहनत की बात छोड़िए। चलिए हमारे साथ एक बार फिर संजीव वर्मा जी जुड़ गए हैं, ठीक है, संजीव वर्मा जी भी हैं, गुल मोहम्मद साहब भी हैं, संजीव वर्मा साहब पहले तो आप ईयरफोन हटाइए, ईयरफोन हटा दीजिए प्लीज, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ठीक है। और गुल मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं, गुल मोहम्मद साहब जो हैं वो समाजवादी नहीं माफ कीजिएगा कांग्रेस है, कांग्रेस है। उत्तराखंड की बहस जब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में उत्तर प्रदेश छोटा छोटा बसा रही जाता है। चलिए संजीव जी, संजीव जी आप थोड़ा सा फ्रेम आइए, आप संजीव जी आपने मेरी पूरी बातें सुनी हैं ए टू जेड, गुल मोहम्मद साहब के लिए दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है संजीव जी आप जवाब, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुंदर स्वच्छ स्वच्छ, और आप छत पे बैठे हैं तो विटामिन भी पूरा आ रहा है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए।
संजीव जी बड़ी समस्या है। संजीव जी एक मिनट के लिए आपको रुकूंगा। हालांकि आप सत्ता में हैं, पावर में हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, इसके बावजूद आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। पता नहीं क्या समस्या है। चलिए ठीक है, संजीव जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गुल मोहम्मद साहब भी जुड़ गए हैं। चलो संजीव जी नहीं तो तब तक गुल मोहम्मद साहब के साथ ही दो चार मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। गुल मोहम्मद साहब को जोड़िए जरा स्क्रीन पर। संजीव जी आपकी कुछ समस्या आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही आज मुझ तक, और मेरी आवाज भी वापस मुझे को आ रही है। टेक्निकल फॉल्ट है कुछ। अब आ रही है? हाँ संजीव जी, आ रही है आपकी आवाज। ये ना कविंद्र जी, देखिए मैंने कहा कांग्रेस के जो नेहरू गांधी परिवार है, परिवारवाद की जननी तो वो है। आप दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी देखिए, जनसंघ देखिए, क्या नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में था? क्या क्या उन्हें कहीं से विरासत मिली? क्या पुष्कर धामी के पिता जो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, क्या वो राजनीति में थे? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के पिता मुख्यमंत्री जो रहे हैं, क्या वो हमारी राजनीति में थे? क्या उनको विरासत मिली? क्या भुवन चंद खंडूरी के पिता या उनके कोई भी परिजन राजधानी में किसी भी राजनीति में सक्रिय थे? उनको विरासत मिली? नहीं मिली। उन सब लोगों ने अपने मेहनत से अपनी एक अपनी जगह बनाई, आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हम इस चीज को हम परिवारवाद नहीं कह सकते। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता, ग्रास रूट का कार्यकर्ता, जिसने खंभे पे चढ़ के पोस्टर लगाए हो, जिसने पार्टी का प्रचार प्रसार किया हो, दरिया बिछाई हो, वे भी आज एक स्थान पे पहुंच सकता है। यह ठीक है, ठीक है, बस ओनली भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया, पार्टी के अंदर ही संभव है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी आप पॉकेटने देखिए, वहाँ पे यह तो रसूख काम आता है, यह परिवारवाद का पाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक आम कार्यकर्ता को भी उतना ही आदर, उतना ही सम्मान और उतना ही ठीक है। ठीक, चलिए चलिए, बहुत ठीक है। गुल मोहम्मद साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले संजीव जी मैं एक बात कह देता हूँ। गुल मोहम्मद साहब आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। संजीव जी आपके लिए है। आपने कहा आपने कि हमारी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो झंडा बैनर लगाता है। एक सेकंड रुकिए, जरा इस आवाज का कुछ करवाइएगा। एक हमारी जो पार्टी का, आपने कहा कि हमारी पार्टी में आपने नेताओं के नाम गिनाए, पुष्कर सिंह धामी बताइए किस परिवार से आते थे, आप बताइए त्रिवेंद्र सिंह रावत किस परिवार से आते थे, बीसी खंडूरी साहब किस परिवार से आते थे। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये लोग सच में इन्होंने अपनी हिम्मत से अपना काम किया, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, ये लोग इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन क्या दोबारा से कोई पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीसी खंडूरी, मायावती, हरीश रावत ऐसे नेता आ सकते हैं? ये मेरा एक परेशानी है मेरी। अब आप एक बात कह रहे थे कि पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जो झंडा बैनर लगाता है, जो रात में लाइटें फिट करता है, जो पर्चा बांटता है, तो मेरे को एक बात बताइए कि कावेंद्र चौहान एंकर ना होकर, अगर कावेंद्र चौहान एक पार्टी का कार्यकर्ता है आपकी, उत्तराखंड बीजेपी का एक मैं कार्यकर्ता हूं, कर्मठ कार्यकर्ता हूं, पूरी तरह से ईमानदार हूं, लेकिन गरीब हूं, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, ठीक है, बड़े ध्यान सुनिएगा संजीव जी। अब आप ये बताइए, अगर मैं कोटद्वार का कार्यकर्ता होता, कर्मठ होता, ईमानदार होता, दिन रात मेहनत करने वाला होता, पर्चा बांटने वाला होता, पैम्फलेट बांटने वाला होता, दिन रात लोगों को जोड़ता, तो क्या आप मुझे टिकट देते, या रितु खंडूरी जी जो कि पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी है उनको टिकट देते, आप सौरभ बहुगुणा जो कि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा साहब के बेटे हैं उन्हें सितारगंज से टिकट देते, या फिर मुझे देते? देहरादून कैंट से जो विधायक साहब थे हरवंश कपूर, जो दिवंगत है फिलहाल, उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट देते या मुझे टिकट देते? कानपुर सीट से बीजेपी एमएलए हैं चैंपियन साहब जो हैं, उनकी पत्नी कुंवरानी देवयानी को टिकट देते या फिर मुझे टिकट देते? काशीपुर सीट से जो विधायक जी हैं हरवंत सिंह चीमा साहब, उनके बेटे हैं त्रिलोक सिंह, आप उनको टिकट देते या मुझे टिकट देते? पिथौरागढ़ से अगर मैं कार्यकर्ता होता तो आप पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी जो है चंद्रा पंत, उनको टिकट देते कि मुझे टिकट देते? विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जीना साहब, उनके भाई हैं महेश जीना सल्ट से,
आप उन्हें टिकट देते कि मुझे टिकट देते? लैंसडाउन की बात करूं, लैंसडाउन का अगर मैं कर्मठ कार्यकर्ता होता, ईमानदार कार्यकर्ता होता, तो आप भरत सिंह रावत के बेटे दिलीप सिंह को टिकट देते या मुझे टिकट देते? नहीं देते साहब। कंपैरिजन कर रहे हैं उन लोगों से जो जब में उनके परिवार का कोई व्यक्ति जिसने बहुत एक लंबे समय तक पार्टी के अरे साहब स्थान पे प्रतिनिधित्व किया, जनप्रतिनिधि रहा, या संजीव साहब ये कोई परिवार का वो पेशा है क्या? उनके पिताजी या उनकी माताजी पूरे जीवन भर दवाई बनाते रहे घर पर या फिर कारीगरी का जानते हैं वो काम बढ़िया से, या फिर लहंगा चुन्नी उनको बनाना आता है, उनके बेटे को भी आता है लहंगा चुन्नी बनाना, उनकी बिटिया को भी आता है लहंगा चुन्नी बनाना। अरे भाई ये राजनीति है या आपको क्या कोई कर्मठ कार्यकर्ता या फिर कोई ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा जिसको आप टिकट दे सकते? परिवार के लोगों को टिकट देना क्या है जरूरत? कविंद्र जी देखिए, हमारी जो राजधानी में बहुत सेंट्रलाइज एक सीट है जिसका नाम है राजपुर रोड विधानसभा, उसमें एक ढोल बजाने वाले को जो हमारे पहाड़ों में पर्वतीय क्षेत्रों में ढोल बजाते हैं वो अनुसूचित वर्ग में आते हैं, उनका नाम है खजानदार। परिवार से परिवार का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ना ना उनके पिताजी राजनीति में थे, ना उनके दादा राजनीति में थे, ना उनके चाचा राजनीति में थे, लेकिन वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता रहे, जिसने लई भी अपने हाथ से बनाए, जिसने पोस्टर भी चिपकाए, जिसने खंभों पे चढ़ के अपना झंडा बैनर भी लगाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक का टिकट दिया, उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी आदमी की कैपेबिलिटी देखती है कि वो हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप धनाढ्य वर्ग से आएंगे, आप एक संपन्न परिवार से आएंगे तो ही हम आपको एंटरटेन करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आप आदमी की कैपेबिलिटी देखते हैं, आदमी की क्षमता देखते हैं, आदमी का डेडिकेशन देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। जो भी व्यक्ति पार्टी की नीति नीतियों पे खरा उतरता है हम उसको पूरा सम्मान करते हैं। आप इतना बड़ा उदाहरण हम आपके सबके सामने माननीय मोदी जी हैं, आप बताइए मोदी जी के कौन से पिताजी या दादाजी तब तो मुलायम सिंह यादव भी बने, मायावती बनी, वो आज बन सकते हैं ऐसे लोग, मैं ये जो है शंका जाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, गुलाम मोहम्मद साहब भी हमारे साथ है। ठीक है संजीव, ठीक है थोड़ा सा क्योंकि गुलाम मोहम्मद साहब का देखिए ऐसा है आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ साहब जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने कहा है कि मई जून में भी वो मुजफ्फरनगर और कैराना इनको शिमला बना देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप नहीं समझ रहे, गुल मोहम्मद साहब का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है, और मेरे अंदर ये कला है नहीं कि मैं इनका पारा ठंडा कर सकूं। चलिए स्क्रीन पर लीजिए क्या हुआ कर रहे हैं। ठीक है गुल मोहम्मद साहब बेचैनी है बहुत, लेकिन सवाल लेते चलिए। ठीक है, हम उत्तराखंड प्रदेश की बात कर रहे हैं, ना कि हम केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर ठीक है उत्तराखंड प्रदेश की ही बात करेंगे, रुकिए गुल मोहम्मद साहब, जी आप बार बार मोदी जी को बीच में ला रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मेरी बात अब वो मोदी जी को बीच में लाएंगे, एक सेकंड मैंने आपकी सुन रहा था अभी तक, आप मेरी भी सुननी पड़ेगी आपको। हम यहाँ प्रदेश की जनता को बताने बैठे हैं, हम प्रदेश की जनता को बताने यहाँ बैठे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप विकास की बात कीजिए, आप प्रदेश की बात कीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जी क्यों बात कर रहे हैं, आप अपने प्रदेश की बात कीजिए। गुल मोहम्मद साहब आप मुझसे बात कीजिए पहले, गुल मोहम्मद साहब मुझसे बात कीजिए, संजीव जी से बात करने के लिए नहीं आपको बुलाया गया है। गुल मोहम्मद साहब एक बात समझिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए, आपने कहा कि संजीव जी प्रधानमंत्री मोदी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो यहां पर फ्रंट में खेल रहे हैं, आगे बढ़कर खेल रहे हैं। आप किन की बात करेंगे? जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करेंगे, इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे, राजीव गांधी साहब की बात करेंगे, या फिर आप सोनिया गांधी जी की बात करेंगे, या फिर आप राहुल गांधी जी की बात करेंगे? आप किन की बात करेंगे?
हम प्रदेश की बात करेंगे, प्रदेश के नेताओं की बात करेंगे। चलिए प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश में परिवारवाद है आपकी? उत्तराखंड कांग्रेस में परिवारवाद है? हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। भाजपा सत्ता में आने के लिए कांग्रेसियों के विधायकों को तोड़ती है, कांग्रेस के परिवार को तोड़ती है। इतने कमजोर क्यों हैं आपके विधायक जो टूट जाते हैं? क्या कांग्रेस के विधायकों के अंदर? मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कांग्रेस के विधायकों के अंदर छोटी सी बीजेपी पलती है। भाजपा सत्ता में आने के लिए कांग्रेसियों पर डोरे डालती है, फिर उन्हीं को बुरा कहती। इन्होंने परिवारवाद में यशपाल आर्य जी को तोड़ा, यशपाल आर्य जी के बेटे को टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया। परिवार देख के चले, मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे विकास नगर के, उनकी उनकी वाइफ जिला पंचायत विधायक है, 500 सुपारी की लड़ी है, कोई भी टूट कर तोड़ दे रहा है, एक 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 लड़ी तोड़े जा रहा है। रुकिए, 5 सुपारी की लड़ी थोड़ी ना है कि आकर कोई भी तोड़ रहा है। आप इस मासूम से मत बनिए, ठीक है? आप एक बड़ी पार्टी योद्धा हैं, अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, उत्तराखंड कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, लेकिन दिखता है परिवाद वाली बात पार्टी में कुछ नहीं है, कोई परिवादवाद नहीं है। युवाओं को कैंडिडेट बनाया है आज प्रदेश में, युवा चुनाव लड़ रहे हैं, युवा मैदान में है, ठीक है? गुल मोहम्मद साहब, हमारे मीडिया भी मैदान में है। गुल मोहम्मद साहब, आप से अच्छी तरीके से पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है? आप ये बताइए कि अगर आप हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मांगते, हरिद्वार ग्रामीण से, क्या आपको मिलता? सही बताइए गुल मोहम्मद साहब। हरिद्वार ग्रामीण में काम कर रही है, आप उसको अगर परिवार जो ठीक है ऑन ऑन एयर लीजिए। गुल मोहम्मद साहब हरिद्वार ग्रामीण में मैं कार्यक्रम करने गया था, वहां पर एक मेरे मित्र हैं, उनका नाम है मुकेश बिष्ट। वो हरिद्वार ग्रामीण में मुकेश बिष्ट एक मेरे मित्र है, वो कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनको क्या कभी टिकट मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मिलेगा, बेहतर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जी कांग्रेस में। अब ये बताइए, यहाँ तो आप गुल मोहम्मद एक बात बताइए, हरिद्वार ग्रामीण से आपको कैसे मिलेगा जब सीएम साहब की बेटी खुद टिकट की दावेदार है? आपको थोड़ी ना मिलेगा, आपको कैसे मिल जाएगा? आप ये बताइए कि एक बात बताइए, हल्द्वानी से आपको टिकट क्यों मिलेगा जब इंदिरा हृदयेश जी के बेटे जो है सुमित हृदयेश वो खुद मैदान में, आपको कैसे मिल जाएगा जब वो दावेदार है? यशपाल आर्य जो कल इधर थे, परसों उधर थे, आज इधर है, और सोमवार मंगलवार या बुधवार को किधर चले जाए हमें खुद नहीं पता। हम सुबह उठ के फोन करना पड़ता है, ये उन नेताओं में से है कि हमें पूछना पड़ता है आज आप कौन सी पार्टी में से हैं। वो आपके पास वापस आए, आपने उनको भी टिकट दिया, उनके बेटे को भी टिकट दिया। हरक सिंह रावत जी की बहुरानी है, अनुकृति गुसाई नाम है, आपने उनको भी टिकट दिया। रुकिए एक मिनट, पूर्व मंत्री है सुरेंद्र राकेश की पत्नी है ममता राकेश, उनको आपने भगवानपुर से दूसरी बार टिकट दे दिया। पूर्व सांसद है केसी सिंह बाबा, उनके बेटे हैं नरेंद्र सिंह केसी, उनको आपने काशीपुर से टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा ने अपनी सरकार बनाने के लिए सबके बेटे, बहू, बिटिया, चाची, मौसा, मौसी, सबको तो टिकट बांट के बैठे हैं। बात करते हैं नॉर्मल कार्यकर्ता की। बाद में टिकट नहीं दिया, यशपाल आर्य जी के बेटे विधायक हैं, विधायक को हमने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट देने का काम, तो आप एक काम करिए ना, एक काम करिए, यशपाल जी के बेटे को जब आप बार बार टिकट दे रहे हैं, यशपाल जी को भी टिकट दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, तो वो जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उसको यशपाल डायनेस्टी घोषित करिए, उसको यशपाल डायनेस्टी घोषित कर दीजिए। सम्मानित नेता हो, अरे छोटी छोटी डायनेस्टी बना दीजिए। जब हर परिवार का परिवारवाद इतना हावी है अपने इलाकों में, क्षेत्रों में, कि उनका बेटा बनेगा, फिर बेटे के बाद जो बेटा आएगा वो बेटा बनेगा, तो उसको डायनेस्टी बनाइए। यशपाल डायनेस्टी, हरीश रावत डायनेस्टी, हरक सिंह डायनेस्टी, ये देन भारतीय जनता पार्टी, खंडूरी डायनेस्टी, ये डायनेस्टी बनाइए। आपके आज वर्तमान में विधायक हैं यशपाल आर्य जी, वर्तमान में विधायक हैं, उनको वो पार्टी में आए हैं, उनका सम्मान है, उनको टिकट देना, एक विधायक को टिकट दिया है, ना कि यशपाल आर्य जी के बेटे को दिया है। अगर यशपाल आर्य जी के बेटे को विधायक कोई बनाने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जब हरीश रावत जी की सरकार गिराई थी, तो इसी शर्त पे यशपाल आर्य जी को लिया गया था कि आपके बेटे को विधायक बनाएंगे, आपको विधायक बनाएंगे।
तो कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को टिकट दिया है, ना कि परिवादवाद को टिकट दिया है। परिवादवाद भाजपा में होता है, भाजपा ने विधायक तोड़े। अरे भाजपा की बात मत करिए, आप जब भाजपा की बात करते हैं तो आप पूरी भाजपा की बात कर देते हैं, फिर आपको लपेट देंगे अभी यहीं पर, तुरंत मंच पे आपको लपेट देंगे। भाजपा की बात मत करिए, उत्तराखंड भाजपा की बात करिए। अगर आप भाजपा की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस की बात करेंगे। आप ये बताइए, आप उसको स्पष्ट बताइए, क्या इंदिरा गांधी जी जनता के द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री थी, ये बताइए आप, बताइए। मैंने कहा ना, वो संजीव आर्य जी उत्तराखंड से ही, जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब क्या जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री थे, आज आप ये बताइए मुझको थोड़ा सा जी। क्या राजीव गांधी साहब जो थे जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री थे, स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर प्योर बताइए। देश के दो टुकड़े करने वाले साहब, मैंने एक छोटा सा, मैंने परसों रात में किताब में पढ़ रहा था, इतिहास की किताब थी उसमें पढ़ रहा था, संजय गांधी साहब हेलीकॉप्टर बना रहे थे, हेलीकॉप्टर में उड़ना चाह रहे थे, एक एप्लीकेशन लिख रहे थे, लाइसेंस मांग रहे थे, तो उनकी माता जी ने रातों रात मंत्री बदल दिया और कहा कि एप्लीकेशन में साइन करिए। प्रदेश के विकास, क्या मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप प्रदेश पे बात, मुझे लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ के 50 चक्कर काटने पड़े। इतनी मिर्ची क्यों लगती है, रातों रात मंत्री बदलकर लाइसेंस मिल जाते हैं, और अगर लाइसेंस वो मंत्री ना बनाते, सुबह रिक्शा खड़ा होता सदन के बाहर, रिक्शे से घर जाना पड़ जाता। संजीव जी आपका सम्मान है, ये मिर्ची और ये तिल्ली वाली बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप मेरे सम्मानित हैं, बड़े भाई हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करके बात करें वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको ना बिल्कुल वैसे मत लीजिए, ठीक है, मिर्ची एक शब्द इसलिए है ताकि आप तिल मिला रहे हैं, तिल मिलाने को बोलते हैं मिर्ची। आप एक सम्मानित आदमी हैं आप, और आप भाजपा के। अरे नहीं नहीं, देखिए गुल मोहम्मद साहब नाराज मत होइए, सबसे पहले तो उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, हम हिंदी में जब मुहावरे पढ़ते हैं, हिंदी में जब मुहावरे पढ़ते हैं तो होता है मिर्ची लगना मतलब तिल मिलाना। कांग्रेस हमेशा बड़ों का सम्मान करती है, सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करें आप। नहीं नहीं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है, कोई ऐसी बात नहीं कि आप बात को घुमा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में मत बहस करिए, आपस में मत बहस करिए। एक मिनट संजीव जी, आप रुकिए, गुल मोहम्मद साहब एक मिनट रुकिए, संजीव जी आपको मैं पहले जानता हूँ, संजीव जी थोड़ा सा गुल मोहम्मद साहब रुकिए, देश के प्रधानमंत्री, गुल मोहम्मद साहब हमारा, अरे गुल मोहम्मद साहब क्या मजाक कर रहे हैं, कोई नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हैं क्या, चाय पी के किसी पर भी आग बबूला हो रहा है, रुकिए आप थोड़ा सा, आप गलत लेके गए बात, अरे आप थोड़ा सा रुकिए, डिबेट आप करने आए हैं, मॉडरेटर कौन है भाई, मॉडरेटर की भूमिका समझिए, सीधे मत भिड़ जाइए, गली नुक्कड़ पे नहीं टकरा गए आप संजीव जी से कि सीधे आओ आज हो ही जाए, वो सबको पता है कि पीठ पीछे, अभी कैमरे की लाइट ऑफ करूंगा, अभी दोनों लोग आप साथ में गुड़ चना और लस्सी पियेंगे साथ में बैठ के, मत लड़िए भैया, समझे मेरी बात को, समझ रहे होंगे ना, एक्सेप्ट है तो सुनिए मेरी बात ध्यान से जी। अब मेरी एक बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न है, अरे संजीव जी छोड़िए गुस्सा, ऊपर खड़े हैं, शीतलहर हो रही है, मजा लीजिए वादियों, नहीं, नहीं, चलिए संजीव जी बिल्कुल आपके पास आया हूँ, लेकिन आप दोनों के पास आऊ एक साथ, आप दोनों के लिए सवाल, मैं सवाल को दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा आपने कहा देहरादून कैंट की मैं बात कर रहा था, आपने कहा जो भी होगा उसको देखा जाएगा, उसको मिलेगा। अब एक बात बताइए, देहरादून कैंट में हमारी एक रिपोर्टर है जिनका नाम है निशि भाटिया, वो बहुत समाज सेवा के कामों में रहती हैं, सब लोगों से मिलती जुलती हैं, लोकप्रिय भी हैं, जनता को समझती भी हैं, उनके मन में एक रोडमैप भी है, काम भी करती हैं, मेहनत भी करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास स्कूटी है, स्कूटी। अब बताइए देहरादून का कांग्रेस पार्टी कार्यालय हेडक्वार्टर या फिर आपका बीजेपी हेडक्वार्टर, उस स्कूटी से निशि भाटिया जी को अंदर घुसने देगा ताकि वो टिकट मांग सके, खैर टिकट तो दे दिए, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर? सर कविंद्र जी, मैं इसका एक बहुत बहुत सटीक उदाहरण देता हूं, और वो मेरा आंखों देखा है, दो हजार आठ में चुनाव हो रहे थे नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, हमारे कामली रोड से जो एक पार्षद के लिए चुनाव मैदान में आए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तो उनको बोला कि आपकी संपत्ति क्या, उन्होंने बोला जी मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, और उसने तो उन्होंने बोला चुनाव कैसे लड़ो, बोला जी जैसे आपने टिकट दिया वैसे चुनाव भी लड़ाना,
उस व्यक्ति के पास, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, उस व्यक्ति के घर में 500 रुपए नहीं थे, 500 रुपए उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया केवल उसकी काबिलियत के आधार पे। अब यदि यदि हम इन्हीं मानदंडों को लेंगे कि कार होगी तो टिकट मिलेगा, सफारी होगी तो टिकट मिलेगा, तो मैं तो आपके सामने एक नहीं कई सारे ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूँ जिन जो बिल्कुल ग्रास रूट से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन लोगों की भी उन पार्टी के अंदर डेडिकेशन को देखते हुए उन लोगों को पार्टी ने सम्मान दिया, पार्टी ने माना कि आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाने में संजीव वर्मा साहब सबसे पहले एक बात बता दूं। और सर मेरी बात बोलिए, कविंद्र जी एक मेरी बात बोलिए प्लीज। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अभी जो संजीव आर्य जी को नैनीताल विधानसभा से टिकट दिया है, इनकी प्रदेश अध्यक्षा लगातार मैं सोचता हूँ कई दशकों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही थी, महिला विंग की इनकी अध्यक्ष थी उत्तराखंड प्रदेश की, आपने क्योंकि संजीव आर्य को वहां से टिकट देना था आपने उनको नकार दिया, जबकि आपकी जो राष्ट्रीय महासचिव है महिला हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, 40% टिकट की बात करी और एक महिला की जो अध्यक्षा है उस तक को आप लोगों ने नकार दिया। पूरे 70 विधानसभा सीटों में मात्र 4 से 5 सीटों में आप लोगों ने मात्र शक्ति को टिकट दिया, मात्र शक्ति का इतना घोर अपमान। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ना कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मेरे को पूछा जाएगा, ये केवल कांग्रेस में होता है। ठीक है, संजीव जी आप रुक जाइए, मैं आपकी बात समझ गया। आप 2 मिनट के लिए सुनिएगा, फिर गुल मोहम्मद साहब के पास आएंगे, वो अपना बात रखेंगे। आजकल क्या है ना, देखिए संजीव जी आप भी और गुल मोहम्मद साहब आप भी, अब जो चर्चा है ये बहस, एकदम बहस मत समझिए इसको, जैसे पारंपरिक रूप से होती है, डिबेट होती है चैनलों पर, या फिर जैसे एंकर अपने आप को सबसे ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं, वैसी बहस मत समझिए इसको, ये दरअसल एक चर्चा है, आप इस चर्चा को समझिए दोनों लोगों के लिए। सुनिएगा एक बात, मुझे बड़े ध्यान से बताइएगा कि अगर कांग्रेस का पार्टी कार्यालय है देहरादून वाला और बीजेपी का पार्टी कार्यालय है देहरादून वाला, वहां पर मेरा बस ये सवाल है कि अगर बीसी खंडूरी साहब की बेटी रितु खंडूरी जी बैठी हुई हैं टिकट के दावेदार हैं, और दूसरी तरफ सितारगंज के टिकट के लिए सौरभ बहुगुणा साहब बैठे हैं जो कि विजय बहुगुणा साहब के पूर्व सीएम जो थे उनके बेटे हैं, वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी जो है अनुपमा रावत वो बैठी हुई हैं हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मांग लेके, अब इन लोगों के सामने बहुत बड़ा ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा, जनता आपको देख रही है, ठीक है ना, मैं भी जानता हूं अंदर की बात आप भी जानते हैं, इन लोगों के सामने अगर 20 साल से जो कार्यकर्ता ठीक है स्कूटर से चलकर मेहनत कर रहा है, पोस्टर लगा रहा है, बैनर लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या आज की परिस्थिति में उसे मौका मिल सकता है, उसे टिकट मिल सकता है किसी भी हाल में? सच बताइएगा, जनता देख रही है आपको, मुझे बहलाने के लिए मत बताइए, जनता देख रही है, जनता को बताइए, ऐसा हो सकता है? एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि नहीं हो सकता, आज तस्वीर बदल चुकी है, आदमी लगातार कई वर्षों से सक्रिय होगा राजनीति में। हम लोग सीधा सीधा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पे जो हमारा नीचे से ग्रास रूट से जो एक पैनल बन के जाता है, अगर आदमी उसमें कहीं सूटेबल है, जन विश्वास पे खरा उतर रहा है, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो वो ग्रास रूट का एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है। और ऐसा नहीं है संजीव जी और गुल मोहम्मद साहब, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेता अपने अगर बेटे के लिए, बहुरानी के लिए, भतीजे के लिए टिकट मांगे और पार्टी मना कर दे तो उसको कोई परेशानी हो, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, बीजेपी में है तो कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस में है तो बीजेपी में चला जाएगा और इधर टिकट मिल जाएगा, ये देखा गया है, हमने देखा है, आपने भी देखा है। गुल मोहम्मद साहब जी,
आपने उत्तर प्रदेश में तो खूब कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, हस्तिनापुर से लेकर नोएडा से लेकर हर जगह आपने बहन बेटियों को टिकट दिया, संभल में भी हमारी बिरादरी के एक जर्नलिस्ट है उनको टिकट दे दिया, ठीक है अच्छी बात, वो नारा आपने उत्तराखंड में क्यों नहीं नारा, वो नारा जो था वो क्या उत्तराखंड में लड़कियां लड़ नहीं सकती? लड़ सकती हैं, बिल्कुल लड़ सकती हैं। आपने जिनमें ही प्यार और दुलार के साथ उत्तराखंड में टिकट क्यों नहीं दिया लड़कियों? देखिए मैंने कहा ना ये हाई कमान तय करता है, एक पैनल जाता है जो जिस काबिल होता है उसको उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। हाई कमान कौन तय करता है? दिल्ली वाला हाई कमान, दिल्ली वाला हाई कमान। उत्तराखंड में उत्तराखंड की मातृशक्ति को आपने काबिल नहीं समझा। संजीव जी आपकी आपकी पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया? अरे मतलब उनकी शर्ट काली है तो मेरी भी शर्ट काली है, बता दीजिए। मतलब ये कौन सा तर्क हुआ कि आपकी शर्ट देखिए कितनी काली है, आपके ऊपर देखिए कितनी इंक लगी है? आपने भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत कर रही थी उनको टिकट नहीं दिया आपने? सरिता आर्य जी को कल की जो पार्टी छोड़ के गई है उनको टिकट दे दिया आपने? आपने अपनी अब दरी बिछाने वाली झंडा उठाने वाली को टिकट क्यों नहीं दिया आपने? आपकी पार्टी ने दरी उन्होंने नहीं दिया, इसलिए गुल मोहम्मद साहब की जो पार्टी है उसने भी टिकट नहीं दिया। आप महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे हैं तो गुल मोहम्मद साहब की पार्टी भी महिलाओं को टिकट नहीं दे रही है? उनको विधायक भी बनाया, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी थी वो, और उनको टिकट मिलता उनको सब्र नहीं हो पाया। दो मिनट में तो देख लो देवभूमि की सम्मानित जनता, देवभूमि की सम्मानित जनता ये देखकर कितना तृप्त हो रही होगी, आंखों में आज ग्लिसरीन ग्लिसरीन वाले आंसू ना आकर सच में आंसू आ रहे होंगे, पानी पीने की भी जरूरत नहीं और आंसू टपक रहे होंगे ये देखकर कि आप कह रहे हैं कि आपने नहीं दिया इसलिए हमने भी नहीं दिया, ये कौन सा तर्क है भाई? हमने बिल्कुल, हमारी पार्टी ने सरिता आर्य जी को बहुत सम्मान दिया, विधायक बनाया उनको, पार्टी का अध्यक्ष बनाया महिला का, अब उनको टिकट होना था वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, इन्हें आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया जो वहाँ की पहले के इतने साल से जो महिला मंडल की अध्यक्ष और जो सरिता आर्य जी के लिए जो आप लोग इतनी बात कह रहे हैं वो इधर से उधर चली गई, उधर टिकट मिल गया और उधर जो पहले से सुनीता जो इतनी मेहनत कर रही थी उसको टिकट तो नहीं मिल पाया, मेहनत कर रही थी उनको टिकट नहीं दिया इन्होंने, दरी बिछाने वाली को टिकट नहीं दिया जो इतनी मेहनत पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 5 सालों से नैनीताल से तैयारी कर रही थी उनको किनारे बिठा दिया और सरिता आर्य जी को उठा के टिकट दे दिया, उनका वेलकम किया। तो मैंने कहा ना सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी। गुल मोहम्मद साहब आपने, मैं दिल से एक बात कहता हूँ, गुल मोहम्मद साहब आज आपने मुझे बहुत इंप्रेस किया। संजीव जी एक मिनट रुकिए, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ उसके लिए माफी चाहूंगा। गुल मोहम्मद साहब ढोल बजाने वालों, आपने गुल मोहम्मद साहब आज मुझे इतना इंप्रेस किया है, गुल मोहम्मद साहब आज ने मुझे इतना इंप्रेस किया है, आपने इतनी ईमानदार छवि दिखाई है, आपके जैसे नेताओं की आज सियासत में जरूरत है, ये सच है गुल मोहम्मद साहब, आपके जैसे लोगों की जरूरत है। आपने जो बात कही कि दरी बिछाने वाले को इन्होंने टिकट नहीं दिया और इन्होंने बड़े नेता को आगे बैठा दिया, पैराशूट वाले जो नेता थे उनको आगे कर दिया, टिकट दे दिया, आपकी बहुत ईमानदार छवि है। आज मैं आपसे एक बात कहता हूं क्योंकि आप मुझे बहुत ईमानदार लग रहे हैं, आज आप सार्वजनिक रूप से पार्टी आला कमान को एक लेटर लिखिए, ट्वीट करिए कि बात स्पष्ट करिए कि राहुल गांधी अगले अध्यक्ष हैं या कोई और है और कौन हमारी पार्टी को लीड कर रहा है, इसको स्पष्ट करिए, क्या गांधी परिवार ही लीड करेगा या कोई और भी लीड कर सकता है, इसको स्पष्ट करिए, क्योंकि मैं भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं दिन रात सेवा में लगा हूं, मेहनत में लगा हूं, क्या आज से 20 साल बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं कांग्रेस का या नहीं, आज सार्वजनिक करिए, आपके जैसे ईमानदार नेताओं की जरूरत है गुल मोहम्मद साहब, आज आप ट्वीट करिए कांग्रेस को टैग करते हुए, आप लिखिए कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैं दरी बिछा रहा हूं, मैं बहस कर रहा हूं टीवी पर, मैं आपका पक्ष रख रहा हूं, मैं लाइटें लगा रहा हूं, झंडा बैनर सब लगा रहा हूं, क्या मैं 20 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं कांग्रेस का, स्पष्ट करिए तो मैं काम करूंगा वरना नहीं करूंगा, हटाइए। देखिए पार्टी 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 हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है, मान सम्मान देती है। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं आप स्पष्ट बताइए किसकी बात कर रहे हैं, गांधी परिवार की बात कर रहे हैं? मैं अब अपनी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात मतलब कर रहा हूं। कौन आला कमान कौन? सुनिए आप, मैं बता रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमेशा एक बार हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है, छोटे से उनके कार्यकर्ता को ऊंचा तक पहुंचाई देते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ गुल मोहम्मद साहब, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं आप, इतने ईमानदार नेता हैं आप, आपसे मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं कि आप पार्टी आला कमान को, मेरे को आप पहली बार आज आप ईमानदार व्यक्ति मिले हैं कांग्रेस में,
जिनसे मैं डायरेक्ट व्यवहार ही खोज गया हूँ, बहुत जल्दी दोस्ती आ रही हो गई है, ठीक है, वरना नेताओं से दोस्ती हो नहीं पाती जर्नलिस्ट की जल्दी, आपसे बड़ी अच्छी जल्दी दोस्ती आ रही होगी गुल मोहम्मद साहब, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आज आप ये कर दीजिए, ये विस्फोट करिए, आप उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में विस्फोट करिए, आज आप सार्वजनिक रूप से फेसबुक पर लंबा सा पोस्ट लिखिए सुनहरा सा, और अगर लिखिएगा तो हमें भेजिएगा, हम उसको सजाने का काम करेंगे, हमारे ग्राफिक आर्टिस्ट जी हैं बहुत बढ़िया सजाते हैं, वो सजाएंगे उसको और बढ़िया सजा के हम आपको वापस भेजेंगे, और आप उसमें लिखिए कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, क्या प्रियंका गांधी जी के जो बेटे हैं वो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन जाएंगे या फिर मैं बनूंगा। बताइए जी गुल मोहम्मद साहब, भीनी भीनी जो मुस्कान है आपकी, ये बहुत कुछ बता रही है। मैंने कहा ना, कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है, उनको आगे तक पहुंचाती है, जो काम करने वाले हैं, जो काबिलियत रखते हैं, उनको हमेशा पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है, और एक साथ सभी 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 लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस अगर मैं नेता होता तो इससे भी थोड़ी सी लंबी स्क्रिप्ट रटकर बैठता, और हम पत्रकारों की समस्या ये है कि हम आपसे बात करते करते खुद रट लेते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, जो भी नेता इधर से उधर जाता है वो कहता है कि भैया वहां पर केवट मल्ला पिछड़ो वंचितों शोषितों महिलाओं बेरोजगारों का सम्मान नहीं हो रहा था इसलिए इधर आ गए, हर नेता ये कह रहा है और हमें रटवा दिया। और हम भाई हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, संजीव जी आप भी जानते हैं, गुल मोहम्मद साहब आप भी जानते हैं, क्या एक कमरे में बैठकर जब कोई नेता इधर से उधर आ रहा होता है तो क्या पार्टी आला कमान से ये बातें करता है कि साहब वो शोषितों वंचितों पिछड़ों गरीबों महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा था इसलिए हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, आ जाए, होती होगी ऐसी बात, कभी नहीं होती, सब मजाक की बातें हैं। कविंद्र जी हाँ, मजे की बात ये है कि जितने लोग जाते हैं और इस तरह का ये बातें करते हैं उन सबकी स्क्रिप्ट जो है वो एक ही व्यक्ति लिखता है। ज्यादा उछलिए मत संजीव जी, आपको बता रहा हूँ, ज्यादा मुस्कुराइए मत, आपकी पार्टी से जो उधर जाते हैं उनकी भी स्क्रिप्ट वही है, जो आपकी पार्टी में आते हैं उनकी भी स्क्रिप्ट वही है, समझिए आप, ठीक है। स्क्रिप्ट तो देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो होता सारा यहीं से डिसाइड है, हाई कमान को इतना कुछ नहीं पता होता कि संजीव जी अभी देखिए एक बात देखिएगा संजीव जी और गुल मोहम्मद जी एक डेमो देते हुए कार्यक्रम को बाइंड अप करेंगे। गुल मोहम्मद साहब कांग्रेस कैसी पार्टी है देखिए एक ही बार में रटेंगे एकदम से, बताइए गुल मोहम्मद साहब। कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चलती है। चलिए मेरा आज का जो सरकार बना रही है उत्तराखंड में, ठीक है, मेरा आज का जो मसला था वो बस ये था, कांग्रेस तुष्टिकरण वाली पार्टी है। मेरा आज का जो मोटिव था बहस को रखने का वो बस इतना सा था। संजीव जी आप बाइंड अप कर रहे हैं, संजीव जी आप कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं क्योंकि एक समय की बेड़ियां हैं और घड़ी जो है वो लगी हुई है बाहर पीसीआर में, और पीसीआर में जो घड़ी लगी है उसको देखकर डायरेक्टर बार बार चिल्ला रहा है कि बंद करिए, खत्म करिए, लंबा खींच रहा है। अब आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से, आज के कार्यक्रम जो रखा गया, आज की जो डिबेट रखी गई, बहस रखी गई, इसका मकसद सिर्फ इतना था कि क्या हम आज के भारत में, आज के उत्तर प्रदेश में, आज के उत्तराखंड में वो चीज देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति जो एक गरीब परिवार से साइकिल चलाता चलाता आज करोड़ों की बस में बैठने लायक हो गया, अपनी क्षमता से हुए, मैं कहता हूं अपनी क्षमता से हुए, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, कल्याण सिंह जैसे हो सकते हैं, क्या वो आज की विधानसभा हो सकती है या आज का सदन हो सकता है जब गरीब परिवारों के लोग वहां पहुंचते थे और ताल ठोक कर सवाल करते थे, क्या जेपी साहब जैसे नेता हो सकते हैं, क्या लोहिया जैसे नेता हो सकते हैं, क्या गरीब परिवारों के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं जिन विधायकों का टिकट कटता है वो फेसबुक पर या ट्विटर पर एक ही टिप्पणी करते हैं कि पैसा जीत गया ईमानदारी हार गई। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत खूबसूरत चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज हमने इस बात पर चर्चा की कि परिवारवाद की जो पतवार है क्या ये यूं ही निरंतर चलती रहेगी, और जो लोग सच में सक्षम हैं, जो लोग सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, वो वाली समाज सेवा नहीं जिसमें मेवा मिलता है और जितनी मोटी चेन एक बकरी अपने गले में बांधी जाती है उतनी मोटी सोने की चेन नेता अपने गले में बांध लेते हैं समाज सेवा करते करते, ये कौन सी समाज सेवा है और कौन से समाज की सेवा करते हैं, ये प्रश्न तो ऐसा है जो पाषाण काल से लेकर आज तक चला रहा है और आज तक वास्तविक है, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होती। तो क्या राजनीति का जो पूरी परिकल्पना है वो बदल चुकी है, ये सवाल है, इसका जवाब आप खुद टटोलिए। शुक्रिया।